वेलकम टू सोशल। अपने फेमस टीवी सीरियल नागिन से लाइमलाइट में आने वाली मौनी रॉय आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की मोस्ट ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज में से एक हैं, जिनकी डेब्यू फिल्म गोल्ड में उन्हें अक्षय कुमार के साथ देखा जाएगा। इस वीडियो में हम आपको मौनी रॉय से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अर्ली लाइफ। कोलकाता से बिलोंग करने वाली मौनी एक ट्रेंड सिंगर और डांसर है, जिनकी फैमिली के रूट्स थिएटर से जुड़े हैं। इसी वजह से मौनी को बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग के लिए ट्रेन किया जाता था, पर स्कूलिंग के चलते ये दोनों चीजें सिर्फ मौनी की हॉबी बनकर रह गई। एक्टर बनने से पहले मौनी का सपना एक आईएएस ऑफिसर बनने का था और वो अपनी मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहती थी, पर उन्हें अपने एक्टिंग करियर के लिए मास्टर्स इन जर्नलिज्म बीच में ही छोड़नी पड़ी। मौनी का बिग ब्रेक। 2006 में मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान ही मौनी को एक टीवी सीरियल ऑडिशन के बारे में पता चला जो उनके कॉलेज के पास हो रहा था, तो उन्होंने ऐसे ही उस ऑडिशन में जाने का मन बना लिया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ऑडिशन उस वक्त के सबसे पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए हो रहा था। तो जब मौनी को उस ऑडिशन में सिलेक्ट किया गया तो उन्हें बताया गया कि ऑडिशन क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए किया गया था और मौनी को शो में एक साइड रोल ऑफर किया जाएगा। पर मौनी को कभी भी कृष्णा तुलसी के रोल के लिए नहीं सिलेक्ट किया गया था। वो रोल उन्हें तभी मिला जब उनका ऑडिशन एकता कपूर ने देखा और उन्हें लगा कि मौनी के साथ वो तुलसी की लेगेसी को आगे बढ़ा सकती हैं। और फिर यहाँ से ही मौनी को कृष्णा तुलसी के कैरेक्टर के लिए साइन किया गया। सक्सेस और फेलियर। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में दिखने के बाद से ही मौनी को कई टीवी सीरियल्स ऑफर होने लगे और उन्होंने 2008 में शो को बीच में ही छोड़ दिया। मौनी का उस वक्त कहना था कि शो का शूटिंग शेड्यूल बहुत ही मिसमैनेज्ड है, जिसकी वजह से उन्हें 36 घंटे तक सेट पर ही रहना पड़ता था। तो इसी वजह से मौनी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को छोड़ दिया और अगले 3 साल तक उनका कोई भी शो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उन्हें जब महादेव सीरियल में सती के रोल में देखा गया तो उनका करियर दोबारा चल पड़ा। उस शो की सक्सेस को देखकर ही उन्हें नागिन के लिए कास्ट किया गया, जिसे मौनी अपने करियर का लाइफ चेंजिंग शो मानती हैं। रिलेशनशिप्स। मौनी ने अपने करियर की शुरुआत में टीवी एक्टर गौरव कपूर को डेट किया और ये रिलेशनशिप मौनी और गौरव ने पब्लिकली भी डिस्क्लोज किया था। दोनों को साथ में टीवी शो और एडवर्टाइजमेंट्स में कई बार देखा गया और माना जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी भी कर लेंगे, पर 2013 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर 2014 में र्यूमर्स आना शुरू हुए कि मौनी महादेव के लीड एक्टर मोहित रायना को डेट कर रही हैं। दोनों को हर जगह साथ साथ देखा जाने लगा और हमेशा दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। पर रिसेंटली ही मौनी और मोहित दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि हम हमेशा से ही फ्रेंड्स रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कॉन्ट्रोवर्सीज। अपनी लव लाइफ और अपने टेंट्रम्स की वजह से हर सेलिब्रिटी न्यूज में बना रहता है और वैसा ही मौनी के करियर में भी हुआ। चाहे उनका शो के बीच में से चले जाना या फिर नागिन की सक्सेस के बाद खुद सेट्स पर लेट आना, मीडिया में उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज आए दिन बनी रहती थी। पर उनके करियर की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी रही है उनके लुक्स की ट्रांसफॉर्मेशन। उनकी बिफोर एंड आफ्टर फोटोज देख के मीडिया में कई बार लिखा गया है कि मौनी ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, और जब उनसे ये सवाल एक इंटरव्यू में पूछा गया तो मौनी गुस्सा होकर इंटरव्यू को बीच में छोड़कर ही चली गई, जिसके बाद इस कॉन्ट्रोवर्सी को और भी वेटेज मिल गया। इसीलिए मौनी आज भी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करती। सलमान खान फैक्टर। 2016 में मौनी बिग बॉस में अपने शो नागिन की प्रमोशन करने आई, तो वहां से मौनी और सलमान का कनेक्शन बनना शुरू हुआ। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत पसंद आई और उसके बाद से ही उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आना शुरू हो गए। मौनी को 2017 में दोबारा बिग बॉस में सलमान के साथ देखा गया और इस बार तो दोनों ने साथ में एक डांस नंबर भी परफॉर्म किया। इसके बाद ही मौनी ने गोल्ड फिल्म साइन की और फिल्म डायरेक्टर रीमा काकती ने भी ये माना कि अगर मौनी को सलमान के साथ उन्होंने ना देखा होता तो वो मौनी को अपनी फिल्म में शायद ना कास्ट करती। मौनी को बिग बॉस में देखकर ही रीना ने उन्हें बंगाली वाइफ के कैरेक्टर में पिक्चराइज कर लिया था। अनसीन वर्क्स। अपने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मौनी डांस और थिएटर कम्युनिटी की एक्टिव मेंबर रही हैं। उनके एक थिएटर प्ले को देखकर उन्हें 2004 की फिल्म रन के गाने में बैकग्राउंड आर्टिस्ट का रोल ऑफर किया गया। मौनी ने यह गाना सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनका सीन अभिषेक बच्चन के साथ शूट किया जाना था। ऐसे ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी से पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उन्हें कई टीवी एड्स में देखा गया और 2011 में मौनी एक पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव में नजर आईं, जहां उन्हें पंजाबी सिंगर बब्बू मान के ऑपोजिट कास्ट किया गया था। ये फिल्म फ्लॉप रही और मौनी इस फिल्म को अपना डेब्यू नहीं मानती। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।